हम कहां के सच्चे थे। गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है मुझसे एक गुनाह हो गया है। क्या गुनाह किया तुमने? जाके बीबी से पूछे ना, माओं को सब पता होता है। पर ये पिल्स मुलजिमा ने नहीं खरीदी। आप तो पाकिस्तान में नहीं थे। नहीं, लेकिन मशहूर के लिए आ गया। सिर्फ मेरे लिए? असवन, तुम किससे प्यार करते हो? तुमसे। और महरीन से? नफरत। कैसी है तेरी मेरी आहें, अश्कों में डूबी मेरी आहें, तेरे बिना तेरे बिना जाए ना, तेरे बिना तेरे बिना। चले महरीन, क्या हुआ, डरा दिया तुमने? नहीं, मुझे नहीं मारो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, मैं अस्वद हूँ मेरी। अस्वद? अस्वद को ले गई, वो अस्वद को ले गई। नहीं, हाँ, प्लीज
मुझे मत मारो, मेरे घर में थी ना, मशा लेके गई थी आपको, मेरे घर लेके गई थी आपको मशा। हाँ मैं था, मैं अभी वापस आया हूँ। नहीं देखे वो आ गई, मशा ले आ रही आपको, वो आपको लेके जाएगी वहां से। मशाल मर चुकी है मेरी। मेरीन काम डाउन। कहा ये तो तुम्हें पता होगा ना तुम कहा। चलो हाँ भैया, बहुत मेरीन उठो। मेरीन गेट अप। कैप्टन बहुत शर्मनाक कैप्टन, प्यारे कैप्टन, ये वो महरीन नहीं है जिसे बचपन में आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे। दिस वन इज जस्ट मीन, सेल्फिश एंड अ लायर। तुम बहुत अच्छी एक्टर हो। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने आया था। शिकवा भी क्या करते हम, कहां के सच्चे थे तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, स्लीपिंग पिल्स लेती थी? मशल स्लीपिंग पिल्स लेती थी? क्या कह रहे हैं, क्या मतलब? देखो झूठ ना बोलना, साफ साफ बताना। मशल नींद की गोलियां खाती थी? ये कहानी आपकी माँ और बहनों ने बनाकर आपको सुनाई? पुलिस वालों ने कहा है, मेरी माँ और बहनों ने कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे ताहिर। सब के सब मेरी बेटी को इल्जाम दे रहे हैं, आप उनकी बात का यकीन कर रहे हैं? मरी हुई मासूम बेटी का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अश्वत आ गया, अब सब ठीक हो जाए। तुमसे मुलाकात हुई उसकी? मुझे भी नहीं बताया उसने, मुझे तो चौकीदार से पता चला। मैंने उसके कमरे में जाके देखा तो वो सो रहा था। तुमसे कहा था ना, मैं मेरा बेटा है, मेरी तकलीफ का सुन के वहाँ कैसे रह सकता है, फौरन चला आया। लेकिन इस बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी आया। खाला बस 10 मिनट में नाश्ता तैयार होता है। हाँ ठीक है, मैं कपड़ों का कह दूँ, आज लॉन्ड्री भी करवानी है। बेटा अब तुम उसके कमरे में मूव हो जाओ। वो नाश्ता तैयार हो जाए तो उसको उठा देना। तेरे बिन सो के उठा था, I was making myself coffee. तुम्हारी कॉल आई तो मैं एकदम से परेशान हो गया। मेरी मंसूर मुझे कॉल कर रही है। कैसे कॉल की? मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मशरूम का भी फोन आया था, शी वॉज टेलिंग मी उसने भी ग्रेजुएशन कर ली। तो अब आगे क्या प्लान है? आगे पढ़ना है या पढ़ाई खत्म? नहीं, क्यों पढ़ना है आगे? मुझे MBA करना है। कर लोगी? Of course, इतना मुश्किल थोड़ी है। नहीं मुश्किल तो नहीं है, मशहूर बता रही थी कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। हालांकि तुम स्कूल में हम सबसे ज्यादा ब्रिलियंट हुआ करती थी, पता नहीं क्या हुआ। आई डोंट नो, कंपनी खराब हो गई या क्या। कंपनी? दोस्त वोस्त तक हर्ड, काफी आउटगोइंग हो गई हो तुम, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। नॉल यू नो, सारी बातें मशल की दोहराएंगे? नहीं, अब हम बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा तुमसे डिटेल्स ले लूं। वैसे तो हमारी बात होती नहीं है, अब बस ईद वीद पे हेलो जी कैसी हैं आप, ईद मुबारक, खैर मुबारक। मशल की होती है ना आपसे बात, आपकी खैरियत पता चल जाती है। तो अब मेरे और तुम्हारे बीच हाल अहवाल और मौसम के अलावा कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, अब तो शायद मौसम और हाल की भी बात ना हो। अस्वद, अस्वद खाला नीचे नाश्ते पे बुला रही। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। उठा दिया उसे? जी खाला। वैसे जब से अस्वद आया है ना, अजीब सी प्रोटेक्शन का एहसास हो रहा है, वरना डर लगा रहता था कि पुलिस फिर ना जाने कब आ जाए। और ये क्या होलिया बनाया हुआ तुमने? नई नवेली दुल्हन हो, जाओ अच्छा सा तैयार हो जाओ। बल्कि काम करो, ज्वेलरी भी पहन लो और मेकअप भी कर लेना। किस लिए? बाबा अपने शोहर के लिए, क्या सर झाड़ मुँह पहाड़ फिर रही हो, जाके तैयार हो जाओ। और हाँ, आज वो साड़ी भी पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लाई। खाला साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। क्यों, मैं जो कह रही हूँ कैसे नहीं पहनोगी? चलो जाओ।
हैरान कर दिया तुमने यार, बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रहे। ब्लैकमेल करके बुलाया आपने, इतनी टेंशन में था मैं वहाँ पे, जॉब से रिज़ाइन करके आया हूँ। ऑलरेडी छुट्टी इतनी एक्सटेंड कर ली थी कि अब वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, सो आई हैड टू क्विट। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीछे हमें कितनी परेशानी पड़ी है, तुम्हें ना बताती तो और किसको बताती। दो औरतें इन हालात में अकेली नहीं रह सकती हैं बेटा, और जो कुछ वहाँ पर है उसको पैकअप करो और यहाँ आ जाओ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अम्मी मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं वहाँ से एकदम से सब कुछ छोड़ के आया, आई नीड टू रैप अप। हाँ तो ठीक है, पहले यहाँ का मामला भी सुलझाओ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। क्यों अस्वत? मम्मी मुझे चाय दे दें प्लीज। अरे ये तो ठंडी हो गई है, मैं गरम करके ला दूँ। बेटू मैं गरम कर देती हूँ, लाए। अरे मैं कर ली। मम्मी जाने दें उसे, आपको किचन में जाने की क्या जरूरत है जब वो जा रही है। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम उसके साथ? मम्मी प्लीज़ मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नाश्ता करने आया हूँ, नाश्ता कर लूँ इत्मीनान से, डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे कोई। और आप इसको पेस्ट्रियों की तरह मेरे सामने क्यों ले आती हैं? मुझे जितनी बुरी ये मेकअप के बगैर लगती है, उससे कई गुना बुरी मुझे मेकअप के साथ लगती है, सो प्लीज़। तुम्हें क्या लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से, मेकअप करने से तुम अपने अंदर की बदसूरती छुपा लोगी? कितनी बुरी बात की है तुमने इस वक्त अस्वत। अम्मी मेरा और उसका मामला है, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट।
I'm sorry, बेटा. मुझे माफ कर दो. को माफी मांगने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ नहीं किया. पागल हो गया है वो. ठीक हो जाएगा. कभी उसने इस तरह बिहेव नहीं किया है. मैं तो उसको पहचान नहीं पा रही. कोई बात नहीं खाना. तो मैं भी अपने आप को नहीं पहचान पाती. अस्सलाम वालेकुम. बैठ सकता हूँ? ये सब कब तक चलेगा मामूजान? क्या सब? यही सब जो आप कर रहे हैं. वकीलों और पुलिस को पैसे देंगे. मैं भी दूंगा. पैसा मेरी बेटी से ज्यादा अहम नहीं है, समझो तुम. मैं जानता हूं और मुझे बहुत अफसोस है. और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि मशर के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है मामूजान. लेकिन इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है, राबिया खाला की कोई गलती नहीं है. तुम्हारी अम्मी का कसूर है. उनका कसूर यह है कि उन्हें हमारे जज्बात का ख्याल नहीं किया. हाँ, अम्मी का कसूर है. मैंने इनको लेके थोड़ी सेल्फिश है. लेकिन इस चीज का हल निकालना होगा. क्या हल? मैं मैरीन को ले आता हूँ आपके सामने. आप माफ कर दें. मेरे घर मत आना. कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ. तो ये आग कैसे बुझेगी? तेरी बेटी को तुम्हारे साथ देखता था. मैरीन को देखूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं. वो तुम्हारी अच्छा नहीं किया उसके साथ. मेरीन के साथ सिर्फ नाम जुड़ा है और कुछ नहीं है. मम्मी की जिद के आगे मजबूर हूं. आप बताएं आप क्या चाहते हैं. लॉयर से मिलने गया था आज. वो कुछ पैसे लगेंगे लेकिन जमानत हो जाएगी. चलो शुक्र, जितने जल्दी ये काम हो जाए उतना अच्छा है. पेशी कब है? 15 को. आज वो मामू जान से मिलने गया था मैं.
फिर कुछ नहीं, वो मैं रीन को लेके जाऊंगा उनकी तरफ, वो माफी मांग लेगी तो चीजें। माफी? किस चीज की माफी? अम्मी ना तो आप बच्ची हैं ना मैं, ये जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से हो रहा है, उनकी बेटी की डेथ हुई है ना, तो महरीन वहां पे जाके माफी मांग लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? जब महरीन ने कत्ल ही नहीं किया तो किस बात की माफी? आपको कैसे पता? आप थी वहां पे? तुम्हें कैसे पता? तुम थे वहां पे? आप बिला वजह की बहस कर रही हैं अम्मी। अगर उसके वहां जाने से, माफी मांगने से मसला हल हो जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं नहीं कहूंगी उसको वहां जाके माफी मांगने, बस। वो भी मैं कर लूंगा अम्मी, जस्ट लेट मी प्लीज। प्लीज यार, कुछ बात करनी है तुमसे। कल तुम मामू जान की तरफ मेरे साथ चलोगी, उनसे माफी मांगोगी और फिर हम वापस आ जाएंगे, ओके? किस चीज की माफी? किस चीज की माफी मांगनी चाहिए तुम? आप बताइए। उसे मार डालने की माफी, उसे कत्ल करने की माफी? मैंने उसको नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तुम बहस करोगी मेरे साथ? अभी कैसे जुर्म का कन्फेशन करवाना चाहते हैं मुझसे जो मैंने नहीं किया? चलो मान लेते हैं तुमने नहीं किया, तुमसे गलती से हो गया। गलती से भी नहीं, मशल तुम्हारी वजह से मरी है, उसने सुसाइड तुम्हारी वजह से की है, अपनी जान तुम्हारी वजह से ली है। आपकी वजह से भी तो हो सकता है ना। बकवास बंद करो, मैं जीरो से शुरू नहीं करना चाहता कि तुमने क्या क्या गलत किया है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे साथ वहां चलो, उनसे सॉरी बोलो एंड दैट इज इट। आप समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है? समझता हूं, मुझे यकीन है। तो छोड़ दे मुझे, तलाक दे। हाँ तलाक दे दूं ताकि तुम वो जाके सफान से शादी करो। आई वोंट लेट दैट हैपन। तुम कल मेरे साथ वहां जाओगी, उनसे माफी मांगोगी, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करोगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम इनकार करोगी मुझे? करो इनकार। क्योंकि किसी को मारते भी नहीं। मैं बॉय हूँ ना, लड़कियों कैसे मार सकता हूँ, और फिर बड़ा भी तो हूँ। You are very kind. You think so? एक पल में बिखरे थे जैसे सूखे पत्ते थे, दूर दूर से हो रहे थे, खो रहे थे। एक पल में बिखरे थे जैसे सूखे पत्ते थे, दूर दूर से हो रहे थे, खो रहे थे। Mm-hmm.
मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मेरी मुट्ठी में है, निकल नहीं सकता। अब तुम कल मेरे घर जाओगे और मेरे मामा बाबा से अपोलोजाइज करोगे फॉर एवरीथिंग बैड दैट यू हैव डन टू मी। देखा मेहरी, मैं फिर जीत गई। तुमसे हमेशा कहती थी ना कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे माँ बाप भी बहुत बहुत बुरे हैं। तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझती थी। चले मना किया था इसे यहां लेकर मत आना। मामूजान, मैंने आपको बताया था वो माफी मांगने आई है। मुझे नहीं चाहिए इसकी माफी, ले जाओ इसे यहां से। ताहिर, क्यों बच्चे को डांट रहे हैं? बच्चे ने तो इतना बड़ा एहसान किया हम पे। थैंक यू सो मच असवद, तुम आ गए और इसको ले आए, मेरा काम आसान हो गया ना। क्यों छोड़ दूं? तुम मेरी बेटी की खातिर को यहाँ मेरे मुंह पे लेकर आए, मेरे घर में लेकर आए और तुम कह रहे छोड़ दूं? मुझे आज इसको खत्म कर देना है, खत्म कर देना। मामा जान, वो आपसे माफी मांगने आई है। जो हुआ जैसे हुआ, जिस किसी का भी कसूर था उसकी बात तो सुन ले, माफी मांगो। मुझे माफ कर दे। माफ? ये पागल हो गई है, माफ कर दो। मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें मैं फांसी पे चढ़वाऊंगी। अच्छा, जब तुम्हारी आखिरी सांसें निकल रही होंगी ना, मैं देखूंगी, मैं तुम्हारी लाश को देखूंगी, तुम्हारा मरावा मुंह देखूंगी। जब मैं माफ किया, ले जाओ इसे। आप कौन होते? आज मैं इसको खत्म करूंगी। मुझे इसकी लाश इसे ले जाओ, इसका मरावा मुंह देखिए। Thank you.
हम कहाँ के सच्चे थे।